हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आनंद एक बार फिर से आपका अपने परिवार बूस्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको जानकारी है कि अभी जिस चैप्टर हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है टाइम एंड वर्क, यानी कि कार्य और समय। कार्य और समय से रिलेटेड हम आपको दो क्लास प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसकी पिछली क्लास में हमने सीखा था कि मजदूरी पर आधारित क्वेश्चंस को तथा कार्य क्षमताओं यानी कि इफ़िशियंसी पर आधारित क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। और इसकी आज आगे आने वाली क्लास में, यानी कि आज की क्लास में, हम सीखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कोई भी व्यक्ति काम को कुछ दिनों करने के बाद छोड़ देता है या फिर काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले काम को छोड़ देता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हैं। और साथियों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, हम बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की, और हम एक एक क्वेश्चन को लेते हैं और फिर देखते हैं कि टाइप वाइज किस क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि राम, श्याम, मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग 10, 12 और 15 दिनों में पूरी कर लेते हैं। यानी कि तीन व्यक्ति हैं, राम, श्याम और मोहन, एक नाली की खुदाई अलग अलग 10, 12 और 15 दिनों में पूरी कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू की, परंतु दो दिन के बाद श्याम खुदाई का काम छोड़ करके चला गया। अब शेष काम को राम और मोहन कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए, हमारे पास क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, तीन व्यक्ति हैं, राम, श्याम और मोहन। राम जो है वो किसी भी काम को 10 दिनों में करता है, और श्याम जो है उसी काम को 12 दिनों में करता है, तथा मोहन जो है वो उसी काम को 15 दिनों में करता है। अब सबसे पहले क्या होगा हमारा, यानी कि एलसीएम मेथड से सबसे पहले हम निकालेंगे कि इसमें टोटल वर्क कितना होगा। यानी कि ये तो जो है इनके काम करने का समय दिया हुआ है, अब इनका एलसीएम लेकर के हम निकालेंगे कि टोटल वर्क है कितना। तो देखिए, अगर हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं तो 60 जो है इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम। यानी कि 60 सबसे छोटी एक ऐसी संख्या होगी जो इन तीनों से क्या होगी, डिवाइड होगी। अब देखिए, इसकी अगर मैं इफिशियंसी निकालूंगा तो 10 चंगा 60, यानी कि राम की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 12 पंजे 60, यानी कि श्याम की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 5, और मोहन की अगर बात करें तो 15 चौकू 60, यानी कि मोहन की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 4 की हो जाएगी। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू की, यानी कि तीनों एक साथ खुदाई शुरू कर रहे हैं, परंतु दो दिन के बाद श्याम खुदाई का काम छोड़ करके चला जाता है। अब एक बात बताइए, जब तीनों एक साथ काम शुरू कर रहे हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों एक साथ काम शुरू कर रहे हैं, सॉरी, कौन कौन है, राम, श्याम और मोहन, ये तीनों जो है वो एक साथ काम शुरू कर रहे हैं, और दो दिन के बाद श्याम जो है वो काम छोड़ करके चला जाता है। यानी कि ये जो श्याम है वो दो दिन के बाद काम छोड़कर चला जाएगा, लेकिन दो दिन तक तो ये श्याम भी काम करेगा, यानी कि दो दिन तक जो तीनों हैं वो आपस में मिलकर के काम करेंगे। कहने का अर्थ है, दो दिन के बाद छोड़कर जा रहा है, इसका मतलब है कि दो दिन तक तो ये तीनों मिलकर के काम करेंगे। अगर ये दो दिन तक तीनों मिलकर के काम करेंगे तो ये दो दिन में कितना काम कर देंगे, आप देखिएगा। टोटल काम तो हमारा 60 यूनिट का है। अब देखिए, इनकी इफिशियंसी जब जोड़ेंगे तो 6, 5, 11, 4, 15, यानी कि अगर तीनों मिलकर के काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 15 यूनिट। अगर एक दिन में 15 यूनिट करेंगे तो दो दिन में कितना काम कर देंगे, 30 यूनिट। यानी कि ये दोनों, श्याम जो है वो दो दिन के बाद छोड़ करके जा रहा है, लेकिन दो दिन तक तो इनके साथ मिलकर के काम करेगा, यानी कि दो दिन में कितना काम कर देगा, दो तीनों मिलकर के कितना काम कर देंगे, 30 यूनिट काम कर देंगे। जब ये दो तीनों मिलकर के 30 यूनिट काम कर देंगे तो आपके पास कितना काम शेष रह जाएगा, 30 यूनिट, क्योंकि भाई मेरे पास 60 यूनिट काम है और 30 यूनिट तीनों ने कर दिया दो दिन में, तो कितना काम बचा, 30 यूनिट काम बचा। अब सवाल में पूछा गया है कि शेष काम को राम और मोहन कितने दिनों में करेंगे, यानी कि राम और मोहन को आपको निकालना है कि राम और मोहन शेष काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए, राम की इफिशियंसी कितनी है, 6 की है, और मोहन की इफिशियंसी कितनी है, 4 की है। इफिशियंसी का अर्थ होता है कि एक दिन में किया गया कार्य, यानी कि एक दिन में ये 6 यूनिट करेगा और ये 4 यूनिट करेगा, यानी कि दोनों मिलाकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, आपका 10 यूनिट काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 10 यूनिट काम करेंगे। अब एक दिन में 10 यूनिट काम करेंगे और काम कितना करना है, 30 यूनिट। जब 30 यूनिट काम करना है तो इन दोनों को कितना दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा। कितना लगेगा, 3 दिन लगेगा। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राम और श्याम मिलकर के शेष काम को कितने दिनों में करेंगे। तो राम और श्याम जो हैं वो, यानी कि दोनों की इफिशियंसी अगर मैं मिला लूं, क्योंकि मुझसे दोनों का पूछा जा रहा है, तो दोनों की इफिशियंसी को जोड़ दूंगा तो 10 यहां पे क्या आएगा, 10 यूनिट आएगा। 10 यूनिट यानी कि 10 यूनिट क्या करेंगे, वो पर डे काम करेंगे, और अगर 10 यूनिट पर डे काम करेंगे तो वो 30 यूनिट काम को कितने दिनों में कर देंगे, 3 दिनों में कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3 दिन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 20 दिनों में करते हैं, यानी कि वहाँ पर राम, श्याम और मोहन थे, यहाँ पर आपको कोई तीन व्यक्ति दिए गए हैं, तीन व्यक्ति आपके पास दिए गए हैं ए बी और सी, और ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में करता है, बी जो है वो उसी काम को 15 दिन में करता है तथा सी जो है उसी काम को 20 दिनों में करता है। यानी कि ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में किसी भी काम को अलग अलग कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया परंतु 2 दिन के बाद ए और 3 दिन के बाद बी जो है वो काम छोड़ करके चला जाता है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि टोटल वर्क कितना है, तो इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी अगर निकालेंगे तो 10 चंगा 60, 15 चौकू 60 और 20 तिया 60, यानी कि ए की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी, बी की 4 हो जाएगी और सी की कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। सवाल में कहा जाता है कि ए जो है वो आपका 2 दिन के बाद काम छोड़ करके चला जाता है, यानी कि ए है और बी है तथा सी है, ए ने 2 दिन काम किया और बी ने कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया। अच्छा ये तीनों जब मिलकर के काम शुरू कर रहे हैं तो ए ने अगर 2 दिन काम किया, बी ने 3 दिन काम किया, तो इसके साथ में सी भी तो काम कर रहा होगा ना भाई, सी भी तो लगातार काम कर रहा होगा इनके साथ, क्योंकि तीनों ने मिलकर के काम को शुरू किया था। तो ए ने 2 दिन में कितना काम किया होगा भाई, अगर एक दिन में 6 यूनिट करता है तो 2 दिन में कितना कर देगा, 12 यूनिट काम कर देगा, और बी जो है वो तीन दिन में कितने यूनिट काम कर देगा, 3 चौक 12, ये भी 12 यूनिट काम कर देगा, और सी जो है वो 3 दिन में कितना कर देगा, 3 तिया 9 यूनिट। भाई अगर पूछा जाता है कि ए बी सी तीनों मिलकर के काम शुरू करते हैं, ए तो 2 दिन के बाद छोड़ देता है, अगर ए छोड़ करके चला जाएगा और बी तीसरे दिन काम को छोड़ेगा तो सी भी तो उसके साथ काम कर रहा होगा ना, तो बी और सी कितने दिन काम करेंगे, 3-3 दिन, और ए कितने दिन कर रहा है, 2 दिन कर रहा है। अब देखिए ए जो है वो 2 दिन में कितना करेगा, 12 यूनिट, बी कितना करेगा, 12 यूनिट, और सी कितना करेगा, 9 यूनिट, 12 दूनी 24, 24 और 9 33, यानी कि 33 यूनिट काम जो है वो इन तीनों ने मिलकर के कर दिया, जिसमें ए ने 2 दिन काम किया और बी और सी ने 3 दिन काम किया। सवाल में यही कहा गया है क्योंकि अगर बी जो है वो 3 दिनों के बाद काम छोड़ रहा है तो सी तो कंटिन्यूसली उसके साथ काम कर रहा है, लगातार उसके साथ काम कर रहा है, यानी कि सी ने भी 3 दिन ही काम किया होगा। अब सवाल में पूछा गया है अगर ये छोड़ करके चले जाते हैं तो शेष काम को सी कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए अगर 33 यूनिट काम आपका हो गया और आपके पास 60 यूनिट काम था, तो 33 अगर आप घटा देंगे यानी कि 60 में से अगर आप 33 घटा देंगे तो कितने यूनिट काम बचेगा, 27 यूनिट, यानी कि 27 यूनिट काम बचा है जो किसे करना है, सी को करना है, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट की एफिशिएंसी, यानी कि 3 यूनिट जो है उसकी कार्य क्षमता है, तो 3 × 27 यानी कितना हो जाएगा, 9 दिन। वो कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर पाएगा, 9 दिनों में कंप्लीट कर पाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन तथा 15 दिन में बना सकते हैं, यानी कि सवाल कह रहा है कि ए और बी जो हैं वो किसी भी काम को 10 दिन और 15 दिन, यानी कि एक दीवार है जिसको वह 10 दिन और 15 दिन में बना सकते हैं, यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम छोड़ दे। सवाल में पूछा गया है कि अगर ए और बी जो हैं वो किसी भी दीवार को 10 और 15 दिन में अलग अलग बना सकते हैं, तो दोनों अगर एक साथ काम को प्रारंभ कर रहे हैं तो कितने दिन पूर्व जो है वो बी काम को छोड़ दे कि पूरी दीवार जो है वो 8 दिन में बन जाए, यानी कि जितना काम होगा उसको आपको कितने दिनों में करना है, 8 दिनों में करना है। तो सबसे पहले अगर आप इसका एलसीएम लेंगे यानी कि टोटल काम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की, और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की, यानी कि ए जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, बी कितना करेगा, 2 यूनिट करेगा। अब देखिए सवाल में आपसे क्या पूछा गया है कि बी जो है वो कितने दिन पूर्व काम छोड़ दे, आपको नहीं पता है, इसमें पूछा गया है कि बी जो है वो कितने दिन पहले काम छोड़ दे, लेकिन दीवार पूरी 8 दिनों में पूरी होगी, यानी कि दीवार जो है वो 8 दिनों में बनकर के तैयार हो जाती है। अगर बच्चा बी जो है वो काम को छोड़ देता है और हमारी दीवार जो है वो 8 दिन में बनकर के तैयार हो जाती है, लेकिन इसमें कहने का अर्थ होगा कि ए जो है वो 8 दिन तक लगातार काम करेगा, क्योंकि सवाल में यही तो कहा गया है कि बी जो है वो कितने दिन पूर्व काम छोड़ दे कि दीवार जो है वो 8 दिन में बन जाए, इसका अर्थ है कि 8 दिन तक लगातार ए ने काम किया होगा। जब ए ने अगर 8 दिन लगातार काम किया होगा और ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट की है, तो ए ने इसमें से कितना काम किया होगा, 24 यूनिट।
कितना काम किया होगा 24 यूनिट, क्योंकि 8 दिन तक लगातार ये काम करेगा और 3 यूनिट पर डे के हिसाब से अगर करेगा तो 24 यूनिट काम जो इसमें से कौन कर देगा, ए कर देगा। अब इसमें से बचा कितना काम, देखिए 30 यूनिट काम था उसमें से 24 यूनिट अगर ए ने कर दिया तो कितना काम बचा, 6 यूनिट काम बचा, यानी कि केवल 6 यूनिट काम ही किसको करना है, बी को करना है। और बी की इफिशियंसी क्या है, 2 यूनिट है, 2 यूनिट जो है वो पर डे की इफिशियंसी है, तो ये कितने दिन में कर देगा, 3 दिन में कर देगा, यानी कि 24 यूनिट तो ए ने कर दिया और बचा हुआ काम कितना है, 6 यूनिट, तो 6 यूनिट काम कौन कर देगा, बी, और कितने दिनों में, 3 दिनों में। यानी कि दीवार अगर 8 दिन में बन रही है और वह अपने बचे हुए अपने काम को 3 दिन में ही कर देता है तो उसने कितने दिन पहले काम को छोड़ दिया, कितने दिन पहले, 5 दिन पहले। भाई अगर उसने एक के साथ काम शुरू किया और 3 दिन काम किया उसके बाद चला गया, यानी कि उसने 5 दिन पहले ही काम को छोड़ दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5 दिन, यानी कि 5 दिन पहले उसने काम को छोड़ दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी सी किसी खेत की नराई क्रमशः 36, 54 और 72 दिन में कर लेते हैं, यानी कि ए बी सी आपके पास 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी, ए जो है वो किसी भी खेत की नराई 36 दिनों में और बी जो है वो किसी खेत की नराई 54 दिनों में तथा सी जो है वो 72 दिनों में इस खेत की नराई को पूरा कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ नराई को आरंभ किया परंतु पूरी होने से 8 दिन पहले ए ने और 12 दिन पहले बी ने काम को छोड़ दिया। यानी कि वही क्वेश्चन आ गया कि कोई भी व्यक्ति अगर काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले छोड़ दे तब से इस काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो वही सारी चीज़ यहाँ पर निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या काम होगा, आपको टोटल वर्क निकालना होगा। अब जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो देखेंगे कि इसमें 18 क्या है, कॉमन है, 18 क्या है, कॉमन है, और इसमें क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौक 72। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, और 12 18 की मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आप इसका सिंपल तरीके से भी एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 216, यानी कि 36, 54 और 72 का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 216। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर जहाँ पर भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे कहा जाता है कि जो हमारा वर्क है वो समाप्त होने से पहले अगर कोई व्यक्ति काम को छोड़ देता है तो देखिए उसमें कौन सा व्यक्ति कितने दिन पहले काम को छोड़ रहा है, तो ए जो है वो 8 दिन पहले काम को छोड़ रहा है, ए जो है वो 8 दिन पहले काम को छोड़ रहा है। अच्छा, ए जो है वो 8 दिन पहले काम को छोड़ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इफिशियंसी निकालता हूँ जो 36 चंगा 216, यानी कि ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, बी की अगर निकालूंगा तो 4 हो जाएगी और सी की निकालूंगा तो 3 हो जाएगी, सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगर ए ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, भाई काम समाप्त होने से अगर पहले ए ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, अगर इसने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया और इसकी इफिशियंसी कितनी है, 6 यूनिट पर डे की, अगर ये काम को ना छोड़ता तो कितना काम करता, 648 यूनिट, कितना काम करता, 48 यूनिट काम करता, क्योंकि भाई इसने 8 दिन पहले काम को छोड़ा है, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले इसने काम को छोड़ा है, और अगर ये ना छोड़ता तो 8 दिन में 6 यूनिट पर डे के हिसाब से कितना काम करता, 48 यूनिट। उसी प्रकार से देखिएगा बी की अगर मैं बात करता हूँ तो बी जो है वो 12 दिन पहले काम छोड़ता है, कितने दिन पहले काम छोड़ता है, 12 दिन पहले, लेकिन अगर बी की इफिशियंसी की बात करूं तो कितनी है, 4, यानी कितना हो जाएगा, 48, यानी कि अगर ये दोनों काम को ना छोड़ते तो ये कितना कितना काम और करते, 48 यूनिट काम करते। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जो काम बचता है यानी कि जिस काम को इन्होंने नहीं किया उस काम को आप टोटल वर्क में जोड़ दीजिएगा, उस काम को आप टोटल वर्क में जोड़ दीजिएगा, और टोटल वर्क में जोड़ने के बाद इन तीनों की इफिशियंसी के जोड़ से इसे भाग कर दीजिएगा। अब 10 और 3 13। अब देखिए इसको जब मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 216 प्लस 96 बटे 13। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 216 और 96 यानी कितना हो जाएगा, 312 बटे 13। कैलकुलेट कर लीजिए, 13 दूनी 26 और 5 बचेगा 13 चौकू 52 यानी कितना हो जाएगा, 24 दिन। तो हमारा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, 24 दिनों में समाप्त हुआ। तो बच्चा इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पर भी आपसे पूछा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति ए या बी कोई भी व्यक्ति हुआ अगर काम को छोड़ करके चला जाता है काम को समाप्त होने से कुछ दिन पहले, तो देखिएगा कि उसने उस काम को कितने दिन पहले छोड़ा है और उसकी आप उसकी इफिशियंसी से मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क में जोड़ दीजिएगा। अगर यहाँ पर केवल एक व्यक्ति की बात की जाती तो मैं एक व्यक्ति का काम जोड़ देता और उस टोटल वर्क को आप किससे करिए, इन तीनों के जोड़ से, यानी कि जो भी हो, 2 हो, 3 हो, कितने भी हों, उनकी इफिशियंसी के जोड़ से आप भाग कर दीजिएगा। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, इसका टोटल आंसर मिल जाएगा, यानी कि 24 दिन में क्या हुआ, हमारा काम हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है,
ए जो है वो एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, जब वह 3 दिन तक कार्य कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तदानुसार यदि वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर लें तो अकेला बी जो है वो उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए ए जो है वो किसी भी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ए जो है वो किसी भी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और 3 दिन तक कार्य करने के बाद जो है वो बी इसके साथ शामिल हो जाता है। अब अगर ए जो है वो 12 दिनों तक काम करता है तो आप मान लीजिएगा कि अगर ए ने एक यूनिट पर डे के हिसाब से काम किया हो, यानी कि यहाँ पर हमें ये दे रखा है कि ए जो है वो किसी भी काम को 12 दिन में करता है, लेकिन हमको ये नहीं बताया गया कि कितना काम पर डे करता है। तो मैं यहाँ पर अगर मान लेता हूँ कि ए जो है वो एक यूनिट पर डे के हिसाब से काम करता है, एक यूनिट पर डे अगर काम करता है, यानी कि ए अगर एक यूनिट पर डे काम करता है, तो अब मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, अगर मैं टोटल वर्क निकालूंगा तो मैं आपको बता चुका हूँ कि टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटू इफ़िशियंसी। तो यहाँ पर टाइम कितना है 12 दिन का और इफ़िशियंसी एक मैंने मानी है, तो कितना काम हो जाएगा मेरा 12 यूनिट का काम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल वर्क की बात करता हूँ तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 12 यूनिट हो गया। अब देखिए यहाँ पर टोटल वर्क 12 यूनिट हो गया। सवाल में कहा गया है कि 3 दिनों तक कार्य कर लेता है, अगर वो 3 दिनों तक कार्य कर लेता है यानी कि ए जो है वो 12 दिन तक काम करता है, लेकिन ए जो है अगर 1 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से काम करेगा तो ए जो है वो 3 दिन में कितना काम कर लेगा, 3 यूनिट। कितना काम कर लेगा, 3 यूनिट काम को कर लेगा। अगर ए ने 3 यूनिट काम कर लिया तो शेष हमारा कितना काम बचेगा, 9 यूनिट। शेष कितना काम बचेगा, 9 यूनिट, क्योंकि भाई हमारे पास 12 यूनिट काम है और उसमें से ए ने 3 दिन तक 3 यूनिट काम कर लिया, तो कितना काम बचा, 9 यूनिट काम बचा। सवाल में कहा गया है कि बी जो है वो 3 दिन काम करने के बाद शामिल हो गया, यानी कि अब ये जो 9 यूनिट काम बचा है ये केवल अकेले ए को नहीं करना है बल्कि ए भी करेगा और बी भी करेंगे, और अगर ए और बी आपस में मिलकर के इस काम को करते हैं तो ये काम जो है हमारा 3 दिनों में समाप्त हो जाता है। यानी कि अगर इसको ए अकेले करता तो कितने दिनों में करता, 9 दिनों में करता, लेकिन ए के साथ अगर बी भी आ जाता है तो ये दोनों मिलकर के कितने दिनों में कर देते हैं, 3 दिनों में कर देते हैं। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, देखिए 3 दिनों में काम कर रहे हैं, अगर 3 दिनों में काम कर रहे हैं तो पर डे कितना काम कर रहे हैं, 3 से इसको भाग कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 यूनिट पर डे। भाई अगर 3 यूनिट पर डे भाग काम करेंगे तभी तो भाई 9 यूनिट काम को 3 दिन में कर पाएंगे, क्योंकि अगर दोनों मिलकर के यानी कि ए और बी अगर रोज़ मिलकर के 3 यूनिट काम करेंगे तभी तो 9 यूनिट काम कर पाएंगे, ना 3 दिन के अंदर। तो यहाँ पर ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3 यूनिट की है, और यहाँ पर आप ए की कार्य क्षमता कितनी माने थे, 1 यूनिट माने थे। तब अगर आप यहाँ से बी की कार्य क्षमता निकालेंगे तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट की। क्यों आ जाएगी, क्योंकि ए की अगर 1 यूनिट है और ए प्लस बी की 3 यूनिट है तो बी की कितनी हो जाएगी, आपकी 2 यूनिट कार्य क्षमता हो जाएगी। सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, सवाल में आपसे पूछा गया है कि बी जो है वो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो देखिए टोटल काम कितना है आपका, 12 यूनिट, और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 2 यूनिट की, तो 2 × 12 यानी कितना दिन लगेगा आपका, 6 दिन। तो बी जो है वो किसी भी कार्य को कितने दिनों में कर देगा, यानी कि इस कार्य को कितने दिनों में कर देगा, 6 दिनों में कंप्लीट कर देगा। तो देखिए बच्चा ये जो क्वेश्चन हम आपको समझाए ना, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं बार बार, लेकिन देखिए यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं इसीलिए हमको ये सारी चीज़ें बार बार लिखनी पड़ती हैं। बट अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहें तो विदाउट पेन के भी कर सकते हैं, यानी कि माइंड में आप इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ पर आप डायरेक्ट मानिएगा कि भाई अगर ए किसी काम को 12 दिन में करता है, तो मैंने मान लिया कि अगर ए जो है वो 1 दिन में 1 यूनिट काम करेगा तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। यानी कि ये सब हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम अपने माइंड में सारी चीज़ें कर सकते हैं, हमको इतना निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तब टोटल काम 12 यूनिट अगर हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि 3 दिन तक ए ने काम किया, मैंने माना था कि ये जो 1 यूनिट अगर पर डे काम कर रहा था तो ये ने अगर 3 दिन अगर काम किया तो 3 यूनिट काम कर लिया होगा, यानी कितना काम बचेगा, 9 यूनिट काम बचेगा। मैं डायरेक्ट लिखूंगा 9 यूनिट काम बचेगा। और अगर फिर देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि 9 यूनिट काम को ए और बी ने 3 दिन में किया, अगर ए और बी ने 3 दिन में किया इसका अर्थ है कि
तीन यूनिट पर डे के हिसाब से काम किया होगा, और तीन यूनिट पर डे के हिसाब से काम किया होगा और ए की तो हम मान चुके हैं कि एक यूनिट होती है, तो बी की कितनी हो जाएगी? दो। तो दो को 12 से भाग कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसीलिए हम इसके अंदर एलसीएम मेथड को यूज़ करते हैं, ना ही हम परसेंटेज मेथड को यूज़ करते हैं और ना ही फ्रैक्शन मेथड को यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन मेथड के अंदर आपके फ्रैक्शन आ जाते हैं तो वहाँ पर आपकी भी कैलकुलेशन टफ हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर केवल एलसीएम मेथड को हम 90% क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करते हैं, जिससे कि यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो सकती है और उस कैलकुलेशन को अपने माइंड में यानी कि विदाउट पेन के भी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी मिलकर के एक काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि फिर क्वेश्चन ने कहा है कि ए और बी जो हैं वो मिलकर के किसी भी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आगे कह रहा है कि वे एक साथ काम को शुरू करते हैं परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, परंतु 2 दिनों के बाद बी ने क्या किया? काम को छोड़ दिया। यदि काम पूरा होने में 2 दिन और लग गए तो लगे तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब देखिए ए और बी मिलकर के जो है वो किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि ए और बी की जो इफ़िशियंसी है वो कितनी है? 2 यूनिट है। यानी कि ए और बी अगर मिलकर के एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं और वे उस काम को 3 दिन में समाप्त कर रहे हैं तो हमारा टोटल वर्क क्या हो जाएगा? टोटल वर्क कितना आ जाएगा? हमारा टोटल वर्क आ जाएगा हमारा 6 यूनिट। कितना हो जाएगा? 6 यूनिट। यानी कि ए और बी किसी काम को मिलकर के 3 दिन में करते हैं, लेकिन ए और बी अगर मैंने मान लिया इस चीज़ को कि अगर 2 यूनिट पर डे काम करेंगे तो उस टोटल वर्क हमारा कितना होगा? 6 यूनिट होगा। अब सवाल में कहा जाता है कि दोनों मिलकर के काम को शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन के बाद बी जो है वो काम को छोड़ देता है। अब देखिए अगर दोनों मिलकर के काम शुरू करेंगे यानी कि ए और बी 2 दिन तक काम करेंगे, ए और बी अगर 2 दिन तक काम करेंगे तो हमारा कितना काम कर देंगे? भाई 2 दिन तक काम करेंगे और 2 यूनिट पर डे काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे? हमारा 4 यूनिट काम कर देंगे। कितना कर देंगे? 4 यूनिट। यानी कि 2 दिनों में कितना काम कंप्लीट कर लिया? 4 यूनिट। अगर 4 यूनिट काम को कंप्लीट कर लिया तो शेष काम हमारा कितना रह गया? 2 यूनिट। शेष काम कितना रह गया? 2 यूनिट। क्यों रह गया? क्योंकि शेष काम हमारा 2 यूनिट रह गया, क्योंकि 4 यूनिट कंप्लीट कर दिया तो 6 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 यूनिट। अब ये 2 यूनिट काम ए को करने में 2 दिन लग गए, यानी कि इस 2 यूनिट काम को करने में ए को 2 दिन लग गए। अगर 2 दिन लग गए तो भैया ए ने कितने मतलब इसकी क्या एफिशिएंसी रही होगी जो इसको 2 दिन लग गए? अगर मैं इसको 2 से भाग करता हूँ तो 1 यूनिट पर डे आएगा। क्या आएगा? 1 यूनिट पर डे। यानी कि अगर 1 यूनिट पर डे करेगा तभी तो 2 यूनिट काम को 2 दिनों में कर पाएगा। यानी कि 1 यूनिट अगर पर डे काम करेगा ए तभी तो 2 यूनिट काम को कितने दिनों में कर पाएगा? 2 दिन में कर पाएगा। तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1 यूनिट। और आपने क्या माना कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट। तो ए की भी 1 हो गई और बी की कितनी हो जाएगी? बी की भी कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट। बी की एफिशिएंसी भी कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की। और जब बी की एफिशिएंसी अगर 1 यूनिट की है तो हमसे क्या पूछा गया है कि बी उस काम को अकेले कितने दिनों में कर सकता है? तो देखिए हमारे पास टोटल काम कितना है बच्चा? टोटल काम हमारे पास कितना दे रखा है? 6 यूनिट। और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 1 यूनिट की। तो इसको कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। यानी कि बी को उस काम करने में कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। अब देखिए ये यूनिट यूनिट जो हम बार बार लिखते हैं ना, ये भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि अगर आप यहाँ पर 1 भी मान सकते थे, अगर कोई बच्चा बोले यहाँ पर मैंने 2 यूनिट क्यों माना, तो आप इसको यहाँ पर 1 यूनिट भी मान सकते थे। अगर आप 1 यूनिट मानते तब आपके यहाँ पर मान किस में आ जाते? फ्रैक्शन में आ जाते। बट यहाँ पर तो आप उस फ्रैक्शन यानी कि 1/2 फ्रैक्शन आता, सिंपल फ्रैक्शन होता यानी कि सिंपल भिन्न थी, उसको भी आप सॉल्व कर सकते थे। लेकिन मैं फ्रैक्शन मेथड यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमारा ये उद्देश्य रहता है इस टाइप के क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं, हम उसमें किसी भी क्वेश्चन में ये प्रयास करते हैं कि जो हम किसी भी मान को मानते हैं इस प्रकार से माने कि जिससे हमारा कैलकुलेशन में कहीं भी फ्रैक्शन ना आए, क्योंकि फ्रैक्शन जब आ जाता है तो वहाँ पर कैलकुलेशन आपको करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए 1 हफ्ते में दिए गए कार्य का 1/5 भाग करता है। यानी कि ए जो है वो किसी भी कार्य को यानी कि अगर उसे कोई काम दिया जाता है तो 1 सप्ताह यानी कि 7 दिन के अंदर वह उस काम के कितने भाग को करवाता है? 1/5 भाग को कर पाता है। यानी कि 7 दिन में 1/5 भाग को कर पाता है। तो सिंपल सा बात है कि अगर भाई कोई भी व्यक्ति अगर 1/5 भाग को 7 दिनों में कर पाता है, यानी कि अगर वो पूरा काम करे यानी कि 1 भाग अगर काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे उसे? 5 सप्ताह लगेंगे। भाई 1 हफ्ते में अगर 1/5 भाग किया है तो 1/5 भाग को अगर यानी कि उसे 5 सप्ताह लगेंगे तब वो उस काम को पूरा कर पाएगा।
या फिर आप यहाँ से देखिए कि अगर उसको 7 दिन लगते हैं 1/5 भाग करने में, तो 1 भाग करने में कितना दिन लगेगा, ये 5 कहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 1 भाग करने में कितना लगेगा उसको, 35 दिन, कितना लगेगा 35 दिन लगेगा। तो यहाँ पर आप समझ पाए होंगे कि अगर ए जो है वो किसी भी काम को 7 दिन में 1/5 भाग कर पाता है तो टोटल काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, 35 दिन लग जाएगा, क्योंकि 1/5 भाग यानी कि 1/ अगर किसी भी काम को आप 1/5 भाग में बांटेंगे तो 5 जगह बट जाएगा, यानी कि 5 बार वो 5 हफ्ते में उस काम को कर पाएगा। दूसरा आगे सवाल में कहा गया है कि बी वही कार्य एक पखवारे में कर देता है, बी जो है वो वही कार्य एक पखवारे में कर देता है, और पखवारे का अर्थ होता है यहाँ पर 15 दिन में, यानी पखवारे का क्या अर्थ होता है 15 दिन में। तो यहाँ पर बी जो है वो किसी भी काम को 15 दिन में कर देता है, तब सवाल में आपसे पूछा गया है कि बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिनों तक कार्य करता है और उसके बाद ए उसे पूरा करता है, तब ए को कितने दिन लगे। सबसे पहले आप इनका एलसीएम लीजिए, यानी कि टोटल वर्क निकालिए, तो टोटल वर्क निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 105, यानी कि अगर ए की एफिशिएंसी निकालूंगा तो 35 * 105 और 15 * 7 = 105, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। अब सवाल में ये कहा गया है कि दोनों एक साथ काम प्रारंभ नहीं कर रहे हैं, जरा सवाल को देखिएगा, सवाल कहता है कि काम को बी ने प्रारंभ किया ना कि दोनों ने, अगर बी ने प्रारंभ किया और बी ने काम को किया कितने दिन, 3 दिन, और उसकी क्षमता क्या थी 7 यूनिट पर डे की, कितनी क्षमता थी 7 यूनिट पर डे की, और उसने 3 दिन काम किया तो कितने यूनिट काम कर लिया उसने, 21 यूनिट। भाई अगर 7 यूनिट काम था और 3 दिन उसने किया तो कितना काम कर लिया होगा, 21 यूनिट काम कर लिया होगा। अब यहाँ पर बी क्या है, काम छोड़ करके चला जाता है, बी कहता है कि मैं काम नहीं करूँगा। अब इसके बाद जो काम बचेगा, यानी कि टोटल अगर 105 यूनिट था 21 यूनिट करने के बाद, टोटल काम कितना बचेगा 84 यूनिट, कितना बचेगा 84 यूनिट। अब इस 84 यूनिट को बी ने करने से मना कर दिया, तब एक दूसरा व्यक्ति लाया गया ए, यानी कि अब ए को करना है ये काम, और ए की एफिशिएंसी क्या है 3 यूनिट पर डे की। अगर ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे की है तो 84 यूनिट को हमको कितने दिनों में करेगा, 3 से मैं इसे डिवाइड कर दूंगा तो कितना दिन आ जाएगा आपका 28 दिन, कितना दिन आ जाएगा आपका 28 दिन, यानी कि ए को बी के द्वारा छोड़े गए काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 28 दिन लगेगा। चलिए भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए किसी भी कार्य को 10 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में तथा सी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में और सी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगा तो कितना आएगा 60, अलग अलग इनकी एफिशिएंसी निकाल दीजिएगा तो 10 * 60 यानी कि ए की कितनी हो जाएगी 6, बी की निकालूंगा तो 15 * 60 और सी की निकालूंगा तो 20 * 60, ये क्या हो जाएगी इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। अब सवाल में कहा जाता है कि ए तथा सी ने मिलकर के काम शुरू किया, यानी कि तीनों ने काम शुरू नहीं किया बल्कि ए और सी जो हैं वो मिलकर के काम को शुरू कर रहे हैं, और 2 दिन कार्य करने के पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया तो कुल कार्य करने में कितने दिन लगे, कुल कार्य करने में कितने दिन लगे। अब देखिए यहाँ पर ए और सी जो हैं वो मिलकर के काम को शुरू कर रहे हैं, अगर ए और सी मिलकर के काम शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले निकाल लो कि ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, ए की 6 है सी की 3 है, यानी कि टोटल अगर देखूंगा तो 1 दिन में कितना यूनिट काम होगा आपका, कितना यूनिट काम होगा 9 यूनिट काम होगा, और ये कितने दिन काम कर रहे हैं 2 दिन काम कर रहे हैं, यानी कि ए और सी के द्वारा कितना काम कर दिया जाएगा आपका 18 यूनिट काम कर दिया जाएगा, क्योंकि 9 यूनिट पर डे करेंगे और 2 दिन करेंगे तो 18 यूनिट काम कर देंगे। अब अगर यहाँ पर आपका कितना है 60 है, यानी कि 60 यूनिट काम था जिसमें से 18 यूनिट काम तो इन दोनों ने कर दिया, अगर 18 यूनिट काम इन दोनों ने कर दिया तो अब आपके पास कितना काम रह गया भाई, 60 में से 18 को माइनस कर दोगे तो कितना काम बचेगा 42 यूनिट। अब सवाल में क्या कहा गया आगे देखिएगा कि ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया जाता है, यानी कि सी को नहीं हटाना है, सी को तो वहीं पर रखना है, लेकिन ए के स्थान पर क्या कर देना, यानी कि अब ए काम नहीं करेगा, अब कौन करेगा बी करेगा, यानी कि और बी और सी करेंगे, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, बी और सी की एफिशिएंसी अगर आप देखेंगे तो 4 और 3 कितनी है 7 की, 4 और 3 कितनी एफिशिएंसी है 7 की, यानी कि ये दोनों मिलकर के 1 दिन में कितना काम करेंगे 7 यूनिट काम करेंगे। अगर ये दोनों मिलकर के 1 दिन में 7 यूनिट काम करेंगे और 42 यूनिट काम है तो 42 यूनिट काम करने में इन्हें कितने दिन लगेंगे, 7 * 42 यानी कि 6 दिन, कितने दिन लगेंगे 42, 6 दिन।
अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा पूछा गया है हमसे कि टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा। अब ये 6 दिन आया, हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि सवाल में पूछा गया कि कुल कार्य करने में कितना दिन लगा। तो देखिए अगर बी और सी कर रहे हैं मिलकर तो वहाँ पर 6 दिन लग रहे हैं, यानी कि बचे हुए काम को अगर बी और सी कर रहे हैं तो 6 दिन लग रहे हैं, और 2 दिन तो ए सी ने भी काम किया था मिलकर ना। तो 6 दिन और 2 दिन को आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जब आप इसको जोड़ देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 8 दिन, यानी कि सॉरी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखिएगा आंसर क्या हो जाएगा आपका, 8 दिन। यानी कि अगर पहले ए और सी काम करेंगे फिर बी और सी बचे हुए काम करेंगे तो टोटल कितना दिन लगेगा आपको, 8 दिन लगेगा। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर के किसी भी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी किसी भी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि ए और बी अगर मिल जाएँ तो वह किसी भी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बट ए अकेला उस काम को 20 दिनों में कर सकता है, यानी सॉरी 20 दिनों में कर सकता है। यानी कि ए और बी अगर मिलेंगे तो 12 दिनों में करेंगे, और ए जो है वो उस काम को अकेले कितने दिनों में कर देगा, 20 दिनों में कर देगा। यदि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर के कितना दिन काम करेंगे, कितने दिन में इस काम को पूरा कर पाएंगे। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, तो 20 या 60 आएगा एलसीएम। तो अगर एलसीएम से इनकी इफिशियंसी निकालेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, सॉरी 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 20 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि ए और बी मिलकर के अगर 12 दिन में काम करते हैं तो यहाँ पर ए और बी की इफिशियंसी कितनी आ रही, 5 आ रही है बेटा। ए और बी की इफिशियंसी की अगर बात करूँ तो 5 है, और ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। अगर ए प्लस बी का मान 5 है और ए का मान 3 है तो बी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि ए की इफिशियंसी 3 हो जाएगी और बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में पहले तो आपसे कहा गया है कि ए और बी मिलकर के किसी काम को 12 दिन में करते हैं। अब इतना कहा गया है कि बी जो है जिस क्षमता से काम कर रहा है, यानी कि अगर अभी तो बी पूरे दिन काम कर रहा था, अब अगर बी आधे दिन काम करे, यानी कि बी अगर अब आधे दिन काम करे तब ये दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अगर बी जो है वो आधे दिन काम करे, यानी कि 1 यूनिट काम करेगा, भाई अभी अगर पूरे दिन काम कर रहा है तो कितना कर रहा है, 2 यूनिट कर रहा है, और अगर आधे दिन करेगा तो आधा काम करेगा, यानी कि 1 यूनिट काम करेगा। अब ये अगर 1 यूनिट काम करेगा और सॉरी यानी कि बी अगर आपका 1 यूनिट काम करेगा और ए 3 यूनिट काम करेगा, तो ए और बी मिलकर के अब कितना काम करेंगे, 4 यूनिट काम करेंगे। कितना करेंगे, 4 यूनिट। और अगर 4 यूनिट काम करेंगे तो 60 यूनिट काम को करने में दोनों को कितना टाइम लग जाएगा, 15 चौकू 60, कितना टाइम लग जाएगा, 15 दिन लग जाएगा। कितना दिन लग जाएगा, 15 दिन लग जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि ए तथा बी किसी भी काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि ए जो है वो किसी भी काम को 20 दिन में और बी जो है वो उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों 7 दिन तक एक साथ काम करें और दोनों काम छोड़ देते हैं। यानी कि अलग अलग तो 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, लेकिन दोनों ने मिलकर के 7 दिन काम किया, उसके बाद काम छोड़कर चले गए, काम छोड़कर भाग गए, उसके बाद बचे हुए काम को सी के द्वारा कराया गया। यानी कि ए और बी ने 7 दिन काम किया और उसके बाद दोनों काम छोड़ करके भाग गए, तब बचे हुए काम को सी के द्वारा कराया गया और सी ने बचा हुआ काम 10 दिनों में किया, तो इस टोटल काम को सी कितने दिन में कर पाता, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए अगर इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा, यानी कि ए की अगर इफिशियंसी निकालूंगा तो 20 या 60, और बी की निकालूंगा तो 30 दूनी 60। यानी कि अगर ए और बी मिलकर के 1 दिन में काम करेंगे, यानी कि ए और बी अगर मिलकर के काम करेंगे तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट, क्योंकि ए 3 यूनिट करेगा, बी कितना करेगा, 2 यूनिट करेगा। तो ए और बी 1 दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट काम करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों 7 दिन काम करते हैं, अगर 7 दिन काम करते हैं तो टोटल कितना काम करके चले जाएंगे, 35 यूनिट काम करके जाएंगे। भाई 5 यूनिट पर डे के हिसाब से करेंगे और 7 दिन काम करेंगे तो कितना काम करके जाएंगे, 35 यूनिट काम करके जाएंगे। अगर इन्होंने 60 में से 35 यूनिट काम कर दिया तो हमारे पास कितना काम रह गया, 25 यूनिट काम रह गया। कितना रहेगा, 25 यूनिट, क्योंकि 35 और 25 कितना होता है, 60 होता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये 25 यूनिट काम जो है वो सी ने 10 दिनों में कर दिया। अगर 25 यूनिट काम को सी ने 10 दिनों में किया तो मैं क्या करूँगा, 10 से भाग कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगी, इफिशियंसी। क्या आ जाएगी, इफिशियंसी, यानी कि 2.5 यूनिट पर डे, पर डे। यानी कि अगर वो 2.5 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगा तभी तो 25 यूनिट को 10 दिनों में कंप्लीट कर पाएगा ना। यानी कि 25 यूनिट को अगर 10 दिनों में कर रहा है तो इसका मतलब है 2.5 यूनिट पर डे काम कर रहा है, यानी कि 2.5 यूनिट काम वो है वो पर डे कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सी जो है वो टोटल काम को कितने दिनों में कर पाएगा, भाई टोटल काम कितना है, 60 यूनिट, और वो कितना कर रहा है, 2.5 यूनिट पर डे कर रहा है,
इसको कैलकुलेट कर दीजिए, पॉइंट हटाएंगे जीरो, 25 दूनी 50, इसके बाद 4 बचेगा तो 25 चौका 100, यानी कि कितना दिन लगेगा उसको, 24 दिन लगेगा। यानी कि ए को जो है वो इस काम को पूरा करने में, सॉरी, यानी कि सी को इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, 24 दिन लगेगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 15 दिनों में पूरा कर देते हैं। यानी कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, किसी भी काम को 20 और 15 दिनों में पूरा कर देते हैं। ए और बी किसी भी काम को 20 और 15 दिनों में अलग अलग पूरा कर देते हैं। उन्होंने 6 दिन तो मिलके काम किया, उसके बाद बी के स्थान पर सी को लगा दिया गया। भाई अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो 20 तिया क्या आएगा, 60, क्योंकि 60 ही सबसे छोटी नंबर होगी जो क्या होगी, दोनों से डिवाइड होगी। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी कि लासा 60 हो जाएगा। तो 20 तिया 60, 15 चौकू 60, यानी कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, बी कितना करेगा, 4 यूनिट करेगा। अब देखिए अगर मैं मानता हूँ कि ए और बी मिल करके अगर एक दिन में काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 यूनिट। क्वेश्चन कहता है कि 6 दिन इन्होंने मिल करके काम किया, अगर इन्होंने 6 दिन मिल करके काम किया तो कितना काम करके गए बेटा, 42 यूनिट। अगर यानी कि 7 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं और 6 दिन तक इन्होंने काम किया तो कितना काम करके गए, 42 यूनिट काम करके गए। ठीक है, अब देखिएगा आगे क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि उसके बाद बी के स्थान पर सी को लगा दिया जाता है और बचा हुआ काम आपका 4 दिन में पूरा हो जाता है। सबसे पहली चीज़ तो काम कितना बचा, 18 यूनिट। काम कितना बचा, 18 यूनिट। सबसे पहली चीज़ काम कितना बचा, 18 यूनिट। अब क्या किया गया, बी के स्थान पर सी को लगा दिया गया, और बी के स्थान पर सी को लगा दिया गया तो ये काम हमारा कितने दिनों में पूरा हो गया, 4 दिनों में। अगर 18 यूनिट काम किसी व्यक्ति ने 4 दिनों में किया तो कितना काम पर डे किया होगा। अब क्या करेंगे, 18 को 4 से भाग कर देंगे। जब 18 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4.5। क्यों, क्योंकि 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो 4.5 यूनिट काम। यानी कहने का अर्थ है जब ए बी के स्थान पर सी को ला दिया गया तो बी और सी जो, सॉरी, ए और सी मिलकर के एक दिन में 4.5 यूनिट काम कर रहे हैं। यानी कि ए और सी का मान कितना है, ए प्लस सी का मान 4.5 है और ए का मान कितना है, 3 है। अगर ए का मान 3 है तो सी का मान कितना हो जाएगा, 1.5। सी का मान कितना हो जाएगा, 1.5। यानी कि सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1.5, और आपके पास टोटल वर्क कितना दे रखा है, 60। आप 1.5 से भाग कर देंगे तो 15 चौकू क्या हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 15 चौकू 60। यानी कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि सी को टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा, तो सी की कार्य क्षमता कितनी आई निकल के, 1.5 से अगर आप 60 को भाग कर देंगे तो कितना दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा। यानी कि सी जो है वो उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, 40 दिनों में समाप्त कर देगा। तो साथियों ये थे आपके टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को कुछ दिन करने के बाद छोड़कर चला जाए या फिर काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले काम को छोड़ दे। तो इसमें आपके हर टाइप का क्वेश्चन था, यानी कि इस दो टाइपों में आपके जिसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा दिए। और साथियों आगे आने वाली क्लासेस के अंदर भी आपको कुछ टाइप के क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं, 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस, वो भी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और उसके बाद आपके लिए हम लेकर के आएंगे कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो हम आपको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। तो साथियों आप हमारे साथ इसी तरह आगे भी बने रहिएगा, आगे की क्लास में आप देखेंगे कि आपको किस टाइप के सारे क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व करने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।